ट्रेन में बम फोड़ देंगे तो इन्हें अल्लाह माफ करेगा और जन्नत देगा। देखिए, आतंकवादियों को माफ करना या ना करना ये अल्लाह का काम है, लेकिन आतंकवादियों को अल्लाह तक पहुंचा देना ये हमारी इंडियन आर्मी का काम है। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो मैं ये वीडियो बनाना चाहता था क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने इजराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो लिबरल्स के स्टूपिड ओपिनियंस थे उसके बारे में एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में मैंने खान सर, जो कि एक बहुत बड़े यूट्यूब चैनल है इंडिया के, अराउंड 8 मिलियन सब्सक्राइबर है उनके यूट्यूब पे, उनका भी एक कॉमेंट मैंने इस वीडियो में इस्तेमाल किया था। हमास क्या है? हमास एक फिलिस्तीन के लोगों का संगठन है, कहता है कि हम फिलिस्तीन को आजाद कराएंगे। इसराइल कहता है कि ये फिलिस्तीन को आजाद नहीं करा रहे, ये आतंकवादी है। एक्चुअली ये अपनी जमीन के लिए लड़ते हैं, इसराइल कहता है कि ये आतंकवादी है। फिलिस्तीन जो अभी छोटे मोटे कहीं कहीं दुब के रह रहे हैं लोग, उन लोग के ऊपर बम गिरा देता है और आए दिन मारते रहता है, आज तक मारता है। और मैंने उनको क्रिटिसाइज किया था क्योंकि मुझे लगा था कि वो इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एक वन साइडेड नैरेटिव प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत डीप रिसर्च नहीं की उनकी वीडियोस को देखने में कि भाई उनका एक्चुअली पूरी तरह से इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पर क्या ओपिनियन है, और हो सकता है कि उनके उस कमेंट को इंक्लूड करने में मुझसे गलती हो गई हो। क्योंकि देखिए यार, इंसान से गलती होती है, गलती मानने पर आदमी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, थोड़ी लाते पड़ेंगे, लेकिन यार लात खाना इज पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि खान सर के बारे में मैंने जो थोड़ी सी रिसर्च की है उससे मैंने ये पाया है कि वो भाई इसराइल के खिलाफ जो उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था वो थोड़ा सा वन साइडेड मुझे लगा था, लेकिन उसके साथ साथ वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बारे में भी जब उनको कुछ गलत लगता है उस बारे में भी चीजें बोलते हैं। तो बेसिकली जहां तक मैंने देखा है वो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हाल में ही सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि लोग खान सर को बहुत अटैक कर रहे थे, कुछ लोग तो उनको अरेस्ट तक कर देने की बात कर रहे थे, लोग भाई उनके वीडियोस को ब्लॉक कर रहे हैं, उनके चैनल्स को ब्लॉक कर रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम्स को और इस्लाम के कल्चर को इंसल्ट करना और अब्यूज करना तो भाई फैशन बन गया है, और खान सर जैसे लोगों की वजह से ये हालत और भी खराब होती जा रही है। इस तरह की चीजों से इंडियन सिटीजंस के बीच में डिवाइसिवनेस और हेट्रेड फैलता है। हाँ नहीं, सही बात है भाई, है इससे हेट्रेड फैल रहा है, है? जब लिंचिस्तान का नैरेटिव फैलाया जा रहा था तब हेट्रेड नहीं फैल रहा था, जब सैफरन टेरर का नैरेटिव फैलाया जा रहा था तब हेट्रेड नहीं फैल रहा था, जय श्री राम को कम्युनल बताने से तो भाईचारा प्रो मैक्स फैल रहा था ना इंडिया में। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, मतलब कहां कहां से आ जाते हैं भैंस की आंख। तो मैंने थोड़ा सा खान सर के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, और फिर मैंने देखा कि इतने सारे मेल्टडाउन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पहली बार एक बड़ा इन्फ्लुएंसर माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बारे में ऑनेस्टली बात कर रहा है। अब जैसे मान के चलिए मुस्लिम समाज में इतना ना लड़के पैदा हो जाता है कि शिक्षा कौन सी देगा, तो हिंदू मुस्लिम में अब मतलब खैर फिर भी हिंदुज्म में तो शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व है भी, लेकिन मुस्लिम में अभी भी शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। शिक्षा की बात करेंगे तो ये 100 साल आगे है मुसलमानों से हिंदू लोग शिक्षा के मैटर में, क्योंकि इस सब में अभी उतना शिक्षा नहीं है, तुरंत आग बबूला हो जाएगा। ये नहीं देखेगा सर कि ना हमारे घर में कोई अधिकारी है, ना हमारे घर में कोई पुलिस है, ना अपनी सुरक्षा के लिए कोई हमारे पास हथियार है, ना हमारा घर है बढ़िया सा, कुछ नहीं, जहाँ कुछ हुआ लुंगी टाइट करेगा अल्लाहू अकबर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब देखिए, उन्होंने एक ऐसी टोन में इस बात को बोला होगा जो टोन लोगों को भले ही इंसल्टिंग लगे वो बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो पॉइंट है पॉइंट अभी भी सही है, क्योंकि इस कम्युनिटी में इंडिविजुअल वायलेंस की प्रॉब्लम है, मॉब वायलेंस की प्रॉब्लम है, फ्री स्पीच को जबरदस्ती दबाने की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप अगर इंडिया के अलग अलग कम्युनिटीज को कंपेयर कीजिएगा तो आप देखिएगा कि मुस्लिम्स का जो एजुकेशन लेवल है, खासकर मुस्लिम औरतों का जो एजुकेशन लेवल है, वो बाकी कम्युनिटीज के कंपेरिजन में काफी लो है। तो मैसेंजर पर नाराज मत होइए, मैसेज पर नाराज होइए। लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए, देखिए इसको, इसको आपको कुछ पता नहीं। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ, अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना, तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा लो, तो पंचर मत साटो वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ ना होगा तो चौराहे बैठ के मीट काटेगा तू बकलोल कहीं के। बताइए ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का, बैनर से छोटा ही बेचारा ये है, क्या कीजिएगा।
क्या गलत बोला? अब देखिए, सबसे पहले पंक्चर बनाना कोई गलत काम नहीं है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर देश का कोई आदमी घर पे निठल्ला नहीं बैठा हुआ है, बाहर जाकर काम कर रहा है, भले ही पंक्चर बना रहा हो लेकिन काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, अपनी फैमिली की देखभाल कर रहा है, वो सब बहुत अच्छा काम है। लेकिन पॉइंट इस बात में भी है, क्योंकि कम्युनिटी को भी ये सोचना पड़ेगा कि उनके लिए जरूरी क्या है, एजुकेशन या रेडिकलाइजेशन। क्योंकि याद रखिए, इंडिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कभी भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एनरोल नहीं हुए हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को सुबह सुबह उठा के मैक्रोन को गालियां देने के लिए सड़कों पर ले जाएंगे तो वो स्कूल कब जाएंगे? तो पहले तो वो स्कूल नहीं जा रहे, पढ़ाई लिखाई उनकी कुछ हो नहीं रही, जब वो बड़े हो रहे हैं तो उनके पास कोई स्किल्स नहीं है, उनको कोई नौकरियां मिलने नहीं वाली है, इसलिए वो पुश्तैनी जो पंक्चर वाली नौकरी है उसमें चले जाते हैं। उसके बाद आप गालियां देते हैं कि भाई मोदी नौकरी नहीं दे रहा। अब ये तो वही बात हुई कि आप अपनी पूरी जिंदगी पिज्जा बर्गर खाओ, उसके बाद जब आपको डायबिटीज हो जाता है तो बोलो मोदी की गलती है। कुछ भी हलाला ये हो गया, समझ में आ गया ना हलाला? यानी अगर हमने किसी को डिवोर्स दिया, हम फिर शादी करना चाहते हैं, तो हमको उसके किसी दूसरे आदमी से कहना पड़ेगा तुम शादी कर लो और फिर तुम डिवोर्स दे दो। लेकिन इसमें वो रिस्क है। रिस्क क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया, आप कहता है कि फिर कहता है शादी करने के लिए, तो कहेगा किसी दूसरे से तुम निकाह कर लो, तो कह लेगा निकाह कर लिए, और वो आदमी कह रहा कि ना हम एक महीना बाद लौटाएंगे। ये भी देखिए, दिल भले ही जल रहा होगा लेकिन इसमें भी पॉइंट है। हलाला की और ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस थी वो इंडिया में इतने सालों से चल रही थी, कभी भी मुस्लिम कम्युनिटी ने उस प्रैक्टिस को हटाने के लिए बहुत ज्यादा आवाज नहीं उठाई। उसके ऊपर से हमारे देश के जो सेक्युलर लिबरल्स थे, जो कि रिलीजन की खराब प्रैक्टिसेस के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, वो तो उल्टा बोल रहे थे कि अगर हम जीत कर आते हैं इलेक्शन में तो हम ट्रिपल तलाक को वापस ले आएंगे। आप लोगों से वादा करती हूं कि कांग्रेस की सरकार आएगी 2019 में और हम इस ट्रिपल तलाक कानून को खारिज करेंगे। और अगर एक सेक्युलर आदमी इस कम्युनिटी की इस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है तो आप उसी को गालियां दे रहे हो। भाई हमारे जो सेक्युलर लोग हैं उनको तो इनको डिफेंड करना चाहिए, लेकिन भाई हमारे सेक्युलर लोग भी उसी तरह से सेक्युलर हैं जैसे पाकिस्तानी साले अरब हैं। एक बार हम मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे, हमको मिल गया सभी दो कैटेगरी का, एगो ये एगो ये। भाई साहब हम बोले कि नहीं बोले समझ में नहीं आता है, सुनिए ध्यान से। आप एक जो वहाबी वाले मिले तो कह दे देखिए, जब नमाज पढ़िए तो हाथ यहाँ मत रखिए, थोड़ा ऊपर रखिए, आप पैर ज्यादा फैलाइए। हम कहे आप हमको नमाज पढ़ना सिखा रहे हैं कि परेड करना सिखा रहे हैं? तो ये सुन्नी वाले भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं हाथ थोड़ा नीचे कीजिए और पैर थोड़ा कम फैलाइए। अजब हाल है भाई। और फिर देखिए भाई, हमने भी कई हिंदू बिलीफ्स और कई हिंदू प्रैक्टिसेस के ऊपर भी लोगों को मजाक बनाते हुए देखा है। अगर ऑल इंडिया बकचोद हिंदुओं का रोस्ट कर सकता है, अगर मुनव्वर फारूकी गोधरा में ट्रेन जलाने के ऊपर मजाक कर सकता है, अगर लोग कड़वा चौथ का मजाक उड़ा सकते हैं, तो फिर नमाज के बारे में थोड़े मजाक क्यों नहीं किए जा सकते? एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री में तो हमें सभी रिलीजन का मजाक उड़ाना चाहिए ना। एक रिलीजन में ऐसा स्पेशल क्या है कि उसका मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाया जा सकता? थोड़ा जोक जोक साड़ा जोक हिंदुत्व, ऐसे कैसे चलेगा दीदी? लेकिन फाइनली मैंने बेस्ट फॉर लास्ट सेव करके रखा हुआ है उनकी लाइन ऑफ द वीक, भाई देख के मजा आ गया। ट्रेन में बम फोड़ देंगे तो इन्हें अल्लाह माफ करेगा और जन्नत देगा। देखिए आतंकवादियों को माफ करना या ना करना ये अल्लाह का काम है, लेकिन आतंकवादियों को अल्लाह तक पहुंचा देना ये हमारी इंडियन आर्मी का काम है। क्या लाइन है, इसमें कुछ ऐड करने की भी जरूरत नहीं है मुझे। बाहर के एक्सट्रीमिस्टों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। Hey, y'all come look at this. जय हिंद। आज समझते हैं हम लोग 1962 के जो इंडो चाइना वार, जिसे इंडो साइनो वार कहा जाता है, उसमें भारत ने क्या क्या गलतियां की थी। देखिए जिस तरह से इंडिया को इंडियंस, इंडिया के रहने वाले को इंडियंस कहते हैं, आयरलैंड के रहने वाले को आयरिश कहते हैं, पाकिस्तान वाले को आतंकवादी कहते हैं। इसराइल पैलेस्टाइन के इशू पर भी उन्होंने अरब देशों के ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट सवाल पूछे हैं। लाख है जिसमें 70 लाख के आसपास यहूदी हैं, लेकिन इन 70 लाख से टकराने की हिम्मत 180 करोड़ ये जो इस्लामिक देश के हैं लोग, इन लोग की अभी हिम्मत नहीं हो रही है। देखिए हुआ क्या कि इन यहूदियों ने स्कूल की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, जिस वजह से कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो उदाहरा है, और ये लोगों ने शिक्षा को जोर नहीं दिया, मदरसे में रह गए लोग यहाँ पर, इस वजह से ये लोग हो गए। तो ये झुंड में आ रहे हैं लोग और वो अकेले चल रहा है, फिर भी इनकी हिम्मत नहीं है लड़ सकने की। I don't like where this is going. फिर से मैं कह रहा हूँ, मैसेंजर पर नाराज मत होइए, मैसेज को देखिए क्या गलत बोला है उन्होंने।
अगर आप देखेंगे तो 1948 से इजराइल ने मिडिल ईस्ट की सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी और सबसे डेवलप्ड आर्मी बनाकर रखी हुई है। उसके कंपैरिजन में अकॉर्डिंग टू यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक, जो 20 इस्लामिक देश हैं ओआईसी की, उन्होंने मिलकर अपने जीडीपी का सिर्फ 0.34% खर्चा किया है साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर 1996 और 2003 के बीच में, जबकि ग्लोबल एवरेज उस समय पर था 2.36%। इन सारी कंट्रीज को अगर मिलाकर देखें तो उन्होंने दुनिया के सिर्फ 1% साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश किए हैं। इन्हीं 20 ओआईसी इस्लामिक कंट्रीज के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 2005 में 13,444 साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश किए थे। सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अकेले 15,455 पेपर सबमिट किए थे। गजब बेइज्जती है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो अरब वर्ल्ड है, मुस्लिम वर्ल्ड है, ये इतना पिछड़ा हुआ है, इसमें क्या खान सर की गलती है? इसमें मेरी गलती है? इसमें मोदी जी की गलती है? किसकी गलती है भाई? वहां तो कोई कुफार भी नहीं रहते। अगर आपने थोड़ा सा साइंस के ऊपर फोकस कर लिया होता तो हो सकता है इसराइल को हरा भी दिया होता। अगर पाकिस्तान ने थोड़ा सा साइंस के ऊपर फोकस कर लिया होता तो साला टेररिज्म उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट नहीं होता। अगर उन्होंने थोड़ा सा साइंस के ऊपर फोकस कर लिया होता तो हर एक जंग में उनकी सुताई नहीं होती। इंशाल्लाह वॉइस प्लेट पे माशाल्लाह। और खान सर ने तो फॉरेन लीडर्स को भी अच्छे से सुनाया है। ये अरब के राजा चीन के साथ, ये तुर्की वाला भाई साहब ये देखो ये चीन के साथ है, और ये पाकिस्तान इमरान खान तो सोच रहा है इसका रखेल बन गया। मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा ये शरीर बहुत थक गया है। मैं तो इस बात से सरप्राइज हूँ कि अभी तक जो हमारे के फैक्ट चेकर हैं ऑल्ट न्यूज, उन्होंने एक आर्टिकल नहीं निकाला कि खान सर तो हिंदुत्व एजेंट है, खान सर का चैनल तो बीजेपी चलाती है। तो भाई जब हिंदू कम्युनिटी को अटैक किया जा रहा था बार बार अलग अलग मुद्दों पर, उनका नाम इंटरनेशनली खराब करने की कोशिश की जा रही थी, तब किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लिंचिंग अब भारत में एक त्योहार जैसा है, हाँ सालों से मनाया जाता है, हर महीने 2-3 बार होता है, काफी नॉर्मल सी बात हो गई, आजकल तो हेडलाइंस में भी बात नहीं आती है। नेतागण इसको सेलिब्रेट भी करते हैं और कुछ केसेस में तो भगवान का नाम लेकर इसको मनाया जाता है। यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह दलित गाली भी खा रहे हैं और गोली भी। पीएम से शिकायत की है कि जय श्री राम का नारा उकसाने वाला बन गया है और अब इसकी रोकथाम के लिए कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन अब जब एक सेक्युलर आदमी एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स के बारे में आवाज उठा रहा है तब लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तब लोग कह रहे हैं कि ये तो मेजॉरिटेरियनिज्म हो रहा है, तब लोग कह रहे हैं कि इनको तो भाई जेल में डाल देना चाहिए, तब इनको लोग डिसोन करने को लगे हुए हैं। तो एक पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड सेक्युलर आदमी है एक कम्युनिटी में, उसको लोग नहीं पसंद करना चाहते क्योंकि वो कम्युनिटी से सवाल उठाता है। लोग किसको पसंद करते हैं? अमानतुल्ला खान जैसे लोगों को, रायट भड़काने वाले ताहिर हुसैन को, अलगाववाद फैलाने वाले ओवैसी को, भारत के टुकड़े करने की कोशिश करने वाले सरजील इमाम को, हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करने वाली जामिया की शीरोस को। भाई एक तरफ एक आदमी है जो ज्ञान के साथ फटा जा रहा है, लेकिन एक कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ऐसे लोगों को चूज करना चाहते हैं जो कि बारूद से फटते हैं। और कुछ लोग तो खान सर को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि भैया ये पूजा कर रहे थे और उन्होंने चंदन लगाया हुआ था। तो भाई अगर एक बार पूजा करने से, थोड़ा सा चंदन लगा लेने से, कपड़े पहन लेने से अगर किसी का धर्म बदल जाता है तो फिर आप इतना नाराज क्यों होते हो जब मोदी कहता है कि मैं मुसलमान टोपी नहीं पहनूंगा? अरे भाई वो अपना धर्म थोड़ी बदलना चाहता है। भाई हमें तो उल्टा इंडिया जैसे देश में, जो कि कितना मल्टीकल्चरल देश है, उसमें हमें कल्चरल इंटरमिक्सिंग को और बढ़ावा देना चाहिए। हिंदुओं को देखिए, जो सेक्युलर हिंदूज हैं वो तो ऑलरेडी दरगाह जा रहे हैं, वो तो ऑलरेडी ईद मना रहे हैं, वो तो ऑलरेडी अल्लाह को अपने भगवान की तरह मानते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश के जो मुस्लिम हैं, क्या वो तैयार हैं रेसिप्रोकेट करने के लिए? क्या वो तैयार हैं मॉस्क के साथ साथ मंदिर में जाने के लिए? क्या वो तैयार हैं हिंदू देवी देवताओं को अपने भगवान जैसा प्यार करने के लिए? क्या वो तैयार हैं हिंदू कल्चर को अपने इस्लामिक कल्चर के साथ मिक्स करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए? और जहां तक भाई खान सर को अटैक करने की बात आती है, मैंने तो ऑलरेडी कहा है कि वो बीजेपी को, बीजेपी के सपोर्टर्स को ऑलरेडी अटैक कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ बताइए, ऐसे ऐसे लोग को इतना सुरक्षा दिया जा रहा है जबकि जिनके जान पर कोई खतरा नहीं, उल्टा सीधा स्टेटमेंट देती हैं, इनको खतरा अपने स्टेटमेंट की वजह से, उल्टा सीधा कुछ भी बोल देती हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई, अब बंगाल चौपट हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा, ये हिलाई नहीं, अपने हाथों को बार बार अच्छे से धोते रहिए, कभी स्कूल से हाथ धोइए, कभी नौकरी से हाथ धोइए, कभी सैलरी से हाथ धोइए, कभी पेंशन से हाथ धोइए, कभी बिजनेस से हाथ धोइए, तो
कभी अपने दुकान से हाथ धोइए, लेकिन जब तक बीमारी है तब तक हाथ धोते रहिए, क्योंकि सरकार हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं हो सकता, बस हाथ धोते रहना है हम लोग। यहाँ पर ट्विटर आपको भूल गया क्या चलाना? ट्विटर मतलब मोबाइल वोबाइल चोरी हो गया है, अब तक एक भी ट्वीट नहीं निकला है। दिलजीत पर ट्वीट होगा, किसान पर ट्वीट होगा, एक ट्वीट स्टूडेंट के लिए भी हो जाए, वो हम समझते हैं कि आप 12वीं फेल है, आपको स्टूडेंट का कोई मतलब नहीं पता होगा। अगर ये स्टूडेंट्स को अगर ट्रेंड कराना पड़े मोदी जी रोजगार, तो इसका मतलब गड़बड़ी तो है। थोड़ा सा देखिए ना एक बार, मन की बात कभी हम लोग का भी सुन लिए, बड़ा मजबूरी में पढ़ाता आदमी। यहाँ तक कि उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट भी किया था जब उनको लगा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ सही किया है। मोदी जी ने देखा कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेंशन बढ़ते जा रहा है। चाइना ने क्या कहा था कि हम 8 घंटे में फौज उतार सकते हैं, मोदी जी ने कुछ नहीं बोला, और मोदी जी ने 1 लाख फौज को घुसा दिया लद्दाख के एरिया में, और गलवान घाटी से महज 5 किलोमीटर पीछे रोका हुआ है। अगर वो फौजी चाहें तो 1/2 घंटे में 30 मिनट में पैदल पहुंच जाएंगे गलवान घाटी पे। और चाइना कहता है हमारा ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया है, हम 8 घंटा में पहुंच सकते हैं, देखो यहाँ 1/2 घंटा में पहुंच सकते हैं। 1 लाख को पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी ने, अब बोला तक नहीं किसी को कि हम पहुंचा दिए। अभी कुछ समय के लिए जो भारत के रक्षा मंत्री है ना, योगी आदित्यनाथ को बना दीजिए। देखिए 1 महीना में ना पूरा का पूरा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, साफ ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए, मैं पिछले वीडियो में इस मामले में गलत था, मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि इंडिया में हमें और भी ज्यादा इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर्स चाहिए। मुझे प्रॉब्लम उन लोगों से है जो सिर्फ एक कम्युनिटी पर अटैक करते हैं, लेकिन उनके हिसाब से दूसरी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनको सिर्फ विक्टिमाइज किया जा रहा है। और देखिये, खान सर को मेरे कोई अप्रूवल की जरूरत तो है नहीं, मेरा छोटा सा टट्टू चैनल है, उनका इतना बड़ा चैनल है, वो इस चैनल को कभी देखेंगे तो है नहीं, तो मैं उनके बारे में क्या सोचता हूं उनसे उनको कोई फर्क नहीं। लेकिन मैं अपनी तरफ से इस बात को क्लियर कर देना चाहता था। जहां तक उनकी बात आती है, तो अगर फ्यूचर में उन्होंने कुछ गलत बोला मेरे हिसाब से, तो मैं उनको फिर से क्रिटिसाइज करूंगा, लेकिन मैं उनकी ऑनेस्टी को रिस्पेक्ट करता हूं, और मैं इस बात को रिस्पेक्ट करता हूं कि वो इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस बैकग्राउंड, अगर उनको कोई चीज गलत लगती है तो वो उसको सवाल उठाने में हिचकिचाते नहीं। ऐसी क्वालिटी हमें इंडिया में और चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से खान सर की सबसे फेवरेट लाइन जो मैंने इस शो में शेयर की वो क्या थी, और अगर मैंने उनकी कोई अच्छी लाइन मिस कर दी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को लाइक दें, थम्स अप दें, शेयर दें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं, पेट्रियन पर मेंबर बने, यूट्यूब पर मेंबर बने, और उसके बाद अपने दिन को इंजॉय करें, और अगले एपिसोड में मुझसे आकर दोबारा जरूर मिलें। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, और आप सबको एक सेक्युलर पढ़ाओ।